देवताओं का घर कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश की भूमि में कई छोटे बड़े मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से यहाँ पर स्थित कई मंदिरों का संबंध सीधा महाभारत काल से है, लेकिन आज हम मंडी के एक भूतनाथ मंदिर के बारे में बात करेंगे। बता दें कि भूतनाथ मंदिर भगवान भोलेनाथ से संबंधित मंदिर है। यह मंदिर मंडी शहर के बीचों बीच स्थित है। वहीं इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के भक्त नियमित रूप से आते रहते हैं और साल के प्रत्येक माह में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जो प्राचीन काल से ही आस्था का केंद्र है। यहाँ न केवल हिमाचल प्रदेश से बल्कि बाहरी राज्यों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं और भोले बाबा के दर्शन कर खुद को निहाल करते हैं और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उत्तरी भारत में ये एक स्वयंभू शिवलिंग है और इनका प्रकट स्टेट टाइम में राजाओं द्वारा किया गया। पहले मंडी की राजधानी जो थी वो पुरानी मंडी में थी और एक गाय जो है यहाँ पे आती थी। यहाँ जंगल होता था सारा और वो ब्यास नदी को क्रॉस करके यहाँ पे आती थी। जब वो वापस गाय जाती थी तो उसका दूध नहीं होता था। जब इस बारे में लोगों को पता लगा और उसकी छानबीन की तो राजा ने जो है अपने जो सिपाही थे वो भेजे। 1526 ईस्वी के समय के दौरान 1526 ईस्वी की ये बात है और जब उन्होंने यहाँ पे भेजे तो उन्हें लगा कि वो गाय जो है यहाँ जो स्वयंभू शिवलिंग है उसके ऊपर अपना दूध जो है अर्पित करती है। उसके बाद जो स्टेट टाइम की जो पुरानी राजधानी थी जो पुरानी मंडी में थी बटौली विजय स्थान को कहा जाता है ऊपर, फिर यहाँ पे राज्य बनाने का निश्चय हुआ और ये मंदिर जो है प्राचीनतम मंदिर उस समय निर्मित किए गए। एक गौ माता पुरानी मंडी से जंगल में नित्य प्रति आकर एक विशेष जगह पे दूध की धार चढ़ाती थी, माने अभिषेक करती थी। ये बात जो ब्राह्मण देवता की गौ माता थी उनको जानकारी हुई कि गौ माता दूध नहीं दे रही है और बच्चे को भी नहीं दूध दे रही है, तो उन्होंने देखा कि कहाँ जा रही है नित्य प्रति। तो देखा कि किसी एक विशेष जगह पे गौ माता खड़ी होकर सुनिश्चित स्थान पर और नित्य प्रति वो दूध से बाबा को अभिषेक करती थी। ऐसा वहाँ जानकारी हुई पूरे नगर में राजा साहब को भी, राजा अजबर सिंह जी नाम था उनका। तब वो देखा, ब्राह्मण देवता और राजा साहब दोनों ने ही देखा कि गौ माता एक जगह पे दूध चढ़ा रही है। तो राजा जब चढ़ा के चली गई दूध, तो राजा साहब ने जानना चाहा कि यहाँ क्या ऐसा है कि नित्य प्रति दूध चढ़ाती है। तो वहाँ साफ सफाई किया गया और देखा गया मिट्टी में बाबा भूतनाथ जी का जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग पाया गया। फिर राजा साहब और ब्राह्मण देवता चले गए गौ माता के साथ। रात में राजा साहब को स्वप्न हुआ बाबा भूतनाथ जी ने दिया कि आप मंदिर निर्माण करवाने के लिए, तो राजा साहब ने मंदिर निर्माण के लिए विचार किया और मंदिर निर्माण करवाया, जो कि 1527 ईस्वी में राजा अजबर सेन जी, तत्कालीन राजा ये रहे वहाँ यहाँ पे अजबर सेन जी, जिनके द्वारा मंदिर निर्माण करवाया गया। और भूतनाथ बाबा की एक अलग ही महिमा है कि जो भी व्यक्ति भूतनाथ बाबा के दरबार में बाबा से प्रार्थना करता है, जो इच्छा कामना करता है, उसकी हर एक मनोकामना, मन चाही मुराद पूरी होती है। गौरतलब है कि 1527 ईस्वी में राजा अजबेर सेन ने शिखारा शैली से मंदिर का निर्माण करवाया था। बता दें कि मंदिर निर्माण से ही आज तक यहां पर भगवान भूतनाथ की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। वहीं देश और विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए भी मंडी शहर में बसा ये मंदिर आकर्षण का केंद्र बना रहता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।